24 के रन में मध्य प्रदेश पर सबकी नजरें टिकी हैं और उस मध्य प्रदेश की नजरें टिकी हैं गुना पर, क्योंकि ये वो सीट है जिसकी पहचान उसके इलाके से नहीं बल्कि उसके नेता से है। जी हां, यहां बात हो रही है सिंधिया परिवार की, जिसने गुना को देशभर में पहचान दिलाई। लेकिन 2019 में हार के बाद पहली बार चुनावी मैदान में उतरे ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार किसी तरह के आराम के मूड में नहीं है और चुनाव के ऐलान के होते ही एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गुना से ही तय होगा उनका आगे का सियासी भविष्य। चौबीस किरण भेरी बच चुकी है, हर ओर चुनावी शोर सुनाई दे रहा है, हर पार्टी हर नेता अपने अपने जीत के दावे कर रहा है, लेकिन इन जीत के दावों के बीच कुछ सियासी छत्रा अपने अपनी जमीन बचाने मैदान में उतर चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति की बात जब भी की जाती है तो उस सियासी छत्रप का नाम सबसे पहले आता है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार मध्य प्रदेश और देश की सियासत में आजादी से लेकर अब तक प्रासंगिक भूमिका निभाता नजर आया है, कभी जनसंघ तो कभी कांग्रेस तो आज के समय में भारतीय जनता पार्टी। इस परिवार ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपनी सियासी जमीन को हमेशा ऊपर रखा और ग्वालियर चंबल में अपना दबदबा कायम रखा। एक बार फिर लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, सबकी नजर ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर झुकी हुई है, क्योंकि 2019 में पहली बार हार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रत्यक्ष तौर पर खुद मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन इस बार उनका दल अलग है और माहौल अलग, बावजूद इसके वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। तभी तो लोकसभा की रणभेरी बचते ही सिंधिया ने अपने क्षेत्र को साधना शुरू कर दिया है। कभी वो क्रिकेट खेलते नजर आते हैं तो कभी बल्ला हाथ में थाम कर छक्के चौके लगाते दिखाई देते हैं, तो कभी खुद गाड़ी ड्राइव करते हैं और जनता के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। और तो और, जब सिंधिया गुना लोकसभा से प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार क्षेत्र में पहुंचे तो खुद को गुना वासियों का बेटा बताया। खाली हाथ लेकर, लेकिन ये प्रत्याशी केवल नहीं है, ये आपका घर का बेटा है, आपका परिवार का सदस्य है। तो मैं आया हूँ गुना को एग्रीकल्चरल कॉलेज देते हुए, गुना पीजी कॉलेज को यूनिवर्सिटी में परिवर्तित करते हुए, तात्या टोपे का महाविद्यालय देते हुए, हमारे आयुष अस्पताल देते हुए, गुना में पासपोर्ट ऑफिस देते हुए, 7 ट्रेन के कनेक्शन मुंगावली अशोकनगर और बदरवास में देते हुए, और सबसे बड़ी बात, गुना में आने वाले दिनों में 45 करोड़ का भव्य एयरपोर्ट भी बनेगा मेरे भाइयों। ज्योतिरादित्य सिंधिया बेहद अलग अंदाज में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुखातिब होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2019 का परिणाम वो भूले नहीं है जब उन्हें उनके ही शागिर्द के पी यादव से हार झेलनी पड़ी थी। ऐसे में इस बार जब वो गुना की धरती पर उतरे तो गुना विधायक की तारीफ क्रिकेट की भाषा में करते नजर आए और कहा कि गुना विधायक गुगली और यॉर्कर फेंकते हैं और आराम से चुपचाप जाकर बैठ जाते हैं। मन्नालाल शाक्य जी, जिनकी शैली अद्भुत है, एक ऐसा, और मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कथावाचक के रूप में, रहते हैं क्रिकेट के। मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूं, या तो यॉर्कर फेंकते हैं और या तो गुगली फेंकते हैं।